This news is brought to you by Chanakya IAS Academy. 29 years of excellence, more than 5,000 selections in IAS, IFS, IPS and so on. Admissions open. For more information, contact 7303763540. कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा में मशरूम उत्पादन के ऊपर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में जिला हमीरपुर के 45 कृषक एवं कृषक महिलाएं विकासखंड नादौन, सुजानपुर, हमीरपुर तथा बिझड़ी से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर प्रदीप कुमार ने किसानों को मशरूम उत्पादन इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियां तथा इसमें लगने वाले कीट एवं बीमारियों की विस्तृत जानकारी दी। इस प्रशिक्षण शिविर में भिंगरी उत्पादन के ऊपर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर प्रदीप कुमार ने किसानों को प्रशिक्षण के दौरान जानकारी दी एवं तरीकों को अपनाकर स्वयं घरेलू मशरूम उत्पादन इकाई खोलकर अपने उत्पाद स्थानीय बाजारों में बेचकर आय में बढ़ोतरी करने की अपील की, जिससे वे अपने आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। नमस्कार, मेरा नाम ईशान तिवारी है, मैं टिल्लू ग्राम से रहता हूँ और केवीकी के बारे में पहले भी मैं पौधा लेने के लिए और बाकी ज्ञान लेने के लिए आता रहता था जब सब्जियों से रिलेटेड। तो मुझे इस वक्त मशरूम की खेती और उसके उपज और उसकी जो कमर्शियल आउटपुट है उसके बारे में जानकारी लेनी थी, तो फिर मैंने ये शिविर अटेंड किया जिसमें सर ने बहुत अच्छे से हमें मशरूम के उगाने का, उनके उगाने के जो बीमारियां, खतरा जो होता है, उसके खाद खुद बनाने के तरीके और बाहर से भी प्रोक्योर करने के जगह के बारे में बताया है। और जिस चीज़ के लिए मैं बहुत आभारी हूँ सर के लिए कि सर ने हमें काफ़ी अच्छे से डिटेल में चीज़ों का और प्रैक्टिकल करके भी दिखाया कि कैसे हम लोग खुद कर सकते हैं ये खेती, कैसे हम लोग इससे लाभ ले सकते हैं। और आगे मैं इस चीज़ का प्लान डालने की ज़रूर सोच रहा हूँ कि मैं ये प्लान डालूँगा तो इससे मेरी भी एक आमदनी बढ़ेगी और अपने आसपास के इलाके के लोगों को भी मैं उसमें शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे ग्राम का ही एक मशरूम के प्रति एक बड़े लालसा की उससे भी लाभ लिया जा सकता है और पूरे ग्राम की स्थिति बढ़े मेरे, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मेरे है यहाँ पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा में 5 दिन की आर्य प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है एक प्रशिक्षण शिविर चला हुआ जो कि मशरूम के ऊपर है। इस प्रशिक्षण शिविर में हमारे लगभग 40 किसान जो है वो भाग ले रहे हैं और इसमें हम लोग अलग अलग तरह के मशरूम की जानकारी दे रहे हैं, जिसमें कि थ्रेटिकली भी बताया जा रहा है और इसमें प्रैक्टिकल भी हम लोग बता रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पीछे, मेरे पीछे ठीक पीछे ये हमारा एक ढींगरी मशरूम होता है, ऑयस्टर मशरूम, इसका जो है वो ये प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है इनको कि कैसे आप लोगों ने इसको लगाना है और अपने जो अपने फार्मर स्तर पर, इनके घर में घरेलू स्तर पर कैसे आप लोग इसको लगा सकते हैं। इसके साथ साथ बटन मशरूम के बारे में भी जानकारी दी गई इनको और उसके बाद दुधिया मशरूम के बारे में भी जानकारी दी गई और कौन कौन से हमारे जो मशरूम है जो कि खाने वाले हैं या जहरीले हैं या किस किस की मेडिसिनल वैल्यू है, वो सारा इन लोगों को बताया जा रहा है इस ट्रेनिंग में और ये लोग बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और ये लगभग हमारे जो 6 ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक से अलग अलग जगह से अलग अलग फार्मर जो है यहाँ पर आए हैं और ये पूरा अपना जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर ट्रेनिंग लेने में। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपने घर में काम करें और एक एडिशनल आय जो है इससे कमाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं सरकार ने चलाया कि हमारे फार्मर की इनकम जो डबल होनी चाहिए, तो डबल का मतलब है कि ये ऐसे ऐसे हमारे जो कार्य हैं, व्यवसाय हैं, इसको जोड़ करके इससे जो है इनकम कमाई जा रही है। तो हम इसको सारा सिखा रहे हैं और ये ट्रेनिंग जो है हमारी ये कल ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद ये लोग अपने अपने घरों में जाएंगे और इनको इस ट्रेनिंग में ये जो हमारे मशरूम में इसका बीज भी दिया जाएगा, इस बीज दिया जाएगा ताकि ये लोग जाते ही अपना कार्य जो है वो शुरू कर दें। धन्यवाद। बड़ा का बहुत बहुत आभारी हूँ, प्रदीप सर का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमारे को मशरूम के बारे में ट्रेनिंग दी, कैसे मशरूम का हम उत्पाद कर सकते हैं, कितने टाइप के मशरूम हैं और उनमें क्या क्या प्रॉब्लमें आती हैं, जैसे वेट कम होना, काला पड़ना और उसके लिए क्या क्या रोकथाम है उसके लिए उन्होंने बताया और कौन कौन से मंथ में कौन कौन से मशरूम की पैदावार हम कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे को बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी और केबी की जो भी स्टाफ है उन्होंने हमारा बहुत सारा सहयोग किया और हमारे को टाइम टाइम से सपोर्ट करते रहे, चाहे जो भी हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, रहने की है, खाने की है। और मशरूम के बारे में हमारे को जितनी, इससे पहले मेरे को कोई पता नहीं था मशरूम कैसे पैदा होता है, गेहूँ के बीज से पैदा होता है, कैसे होता है, क्या क्या प्रॉब्लमें आती हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं,
जैसे सूख गया तो इसका पाउडर बना के हम मार्केट में बेच सकते हैं। इनकम, एक्स्ट्रा इनकम के साधन के बारे में बताया सर ने, जो हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं सर, कुछ नहीं है कि हम फुल टाइम के लिए। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत लैंड की अक्वायर करने की ज़रूरत है, कि छोटे से कमरे में भी हम इसका उत्पाद कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए मैं केबीके बड़ा का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं चबूतरा से आई हूँ और धनपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं मशरूम, ढींगरी मशरूम के बारे में डॉक्टर प्रदीप सर बता रहे हैं हमें। तो हमने अपनी लाइफ के बारे में सोचा कि आगे हम मशरूम का काम करेंगे और अपनी आय जो उसको बढ़ाएंगे। तो हमें मतलब अच्छे से नॉलेज दे रहे हैं सर, और कैसे कैसे मशरूम को तैयार किया जाता है, इसमें कौन कौन सी कमियाँ आती हैं, क्या क्या बीमारियाँ लगती हैं, उसके बारे में हमें सारी अच्छे तरह मतलब सर जो मोटिवेट कर रहे हैं। तो मतलब बाकी भी काफ़ी सारी लेडीज हैं, उनको सर मतलब लेक्चर दे रहे हैं, तो हमें मतलब काफ़ी समझ भी आ रहा है और हम अपनी मतलब आगे प्रोग्रेस करेंगे मतलब मशरूम बढ़ाने में। तो थैंक्स करते हैं प्रदीप सर का और बाकी स्टाफ का भी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर के साथ बड़ा से पंकज वर्मा की रिपोर्ट।